तो टुडे वी विल डिस्कस हेयर टाइफाइड डिसीज़। ये फिफ्थ यूनिट का टॉपिक है टाइफाइड डिसीज़। तो दिस टॉपिक इज़ कवर्ड विथ फर्दर सब हेडिंग्स: डेफिनेशन ऑफ टाइफाइड डिसीज़, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड, डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड डिसीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस हेयर डेफिनेशन ऑफ टाइफाइड डिसीज़। वॉट इज टाइफाइड डिसीज़? टाइफाइड डिसीज़ क्या है? तो टाइफाइड डिसीज़ इज अ सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज बाई साल्मोनेरा टाइफी। ठीक है, साल्मोनेरा टाइफी से होता है, ये एक इन्फेक्शन डिसीज़ है। और इंजेशन ऑफ ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे ही हम इनटेक करते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो जो साल्मोनेरा टाइफी है वो टाइफाइड डिसीज़ को हमारी बॉडी में कॉज कराता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि टाइफाइड डिसीज़ होती क्या है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड डिसीज़। तो टाइफाइड इज़ एन इन्फेक्शन कॉज बाय साल्मोनेरा टाइफी। इट लीव इन इंटेस्टाइन में होता है ये साल्मोनेरा टाइफी, और फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम के बाद स्प्रेड होता है अदर ऑर्गन्स में, और डायरेक्ट यदि हम किसी के कांटेक्ट करते हैं फीसेस से, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस पे यदि कांटेक्ट यदि हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी पर्सन के फीसेस पे, तो भी ये डिसीज़ जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, तो बेसिकली इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये डायरेक्ट कहाँ हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है ह्यूमन के, और ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम के बाद वो कहाँ, किसी भी अदर ऑर्गन में चला जाता है, लाइक लिवर, स्प्लीन और एक्स वाई जेड, है ना। एंड ये क्या करता है, जैसे ही लिवर, स्प्लीन और लंग्स में यहाँ जाता है, लिम्फॉइड टिश्यू को डिस्टर्ब करता है, इफेक्ट डालता है, और फाइनली क्या करता है, किडनी को भी ये डैमेज कर देता है। तो ये बेसिक टाइफाइड डिसीज़ होती है। ठीक है, और ये किसी पर्सन के या ह्यूमन के फीसेस से यदि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, फीसेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, तो भी ये डिसीज़ होती है। और ये कोई एनिमल से नहीं होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन होती है। ओके, दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड डिसीज़। अब द साल्मोनेरा टाइफी एंटर थ्रू द माउथ एंड स्पेंड थ्री बी। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है कि साल्मोनेरा टाइफी कैसे एंटर होता है माउथ के थ्रू, और स्पेंड होता है, फैलता है तीन वीक में इंटेस्टाइन में, तीन वीक के अंदर ही इंटेस्टाइन में फैल जाता है। आफ्टर द टाइम इट मेक इट वे थ्रू द इंटेस्टाइनल बॉल एंड इनटू द ब्लड, और फिर इसके बाद वो इंटेस्टाइनल बॉल को क्रॉस करके पूरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इट स्प्रेड टू अदर टिश्यू ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम से किसी भी ऑर्गन टिश्यू में चला जाता है, तो जैसे कि लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ही है, फिजियोलॉजी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड डिसीज़। तो लॉन्ग टाइम तक फीवर्स, हेडेक, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड डिसीज़ के। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड डिसीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड डिसीज़। ये साल्मोनेरा टाइफी एंटर होता है माउथ के थ्रू, स्प्रेड होता है तक इंटेस्टाइन में, स्प्रेड हो जाता है तीन वीक के अंदर। इसके बाद वो क्या होता है, इट मेक्स टू बे थ्रू द इंटेस्टाइनल बॉल को पास करके वो कहाँ चल जाता है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इट स्प्रेड टू अदर टिश्यू ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम से किसी भी टिश्यू ऑर्गन में चला जाता है, जो कि लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एट्सेट्रा। ठीक है, ये बेसिक सिम्टम्स हो गए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज़ में। बिकॉज ऑफ इंजेशन कंटामिनेटेड एंड फूड वाटर, तो साल्मोनेरा टाइफी बैक्टीरिया इन्वेड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। द बैक्टीरिया आर कैरिड बाय द अदर लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। द बैक्टीरिया देन द मल्टीप्लाइंग सेल ऑफ दिस ऑर्गन एंड री एंटर द ब्लड स्ट्रीम। पेशेंट डेवलप सिम्टम इंक्लूडिंग फीवर, हेडेक, नोजिया एट्सेट्रा। तो ये बेसिक हम अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे ही हम कंटेमिनेशन फूड और वाटर को लेते हैं, तो साल्मोनेरा टाइफी जो होता है बैक्टीरिया, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इसके बाद वो एंटर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इसके बाद बैक्टीरिया कैरी होता है और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ, अदर स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो में चला जाता है। वहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है और री एंटर फिर से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और पेशेंट्स को अदर फीवर सिम्टम्स, हेडिंग, नोजिया, ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं, तो बेसिकली ये कौन सी डिसीज़ होती है, टाइफाइड डिसीज़ होती है।
पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफाइड डिसीज़ का थ्रू अ डायग्राम हम बताएंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में. तो डायग्राम ऑफ टाइफाइड डिसीज़ में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इंजेशन ऑफ सालमोनेला टाइफी, जैसे ही फूड और वाटर इंटेक करोगे तो क्या होगा, इंजेशन ऑफ सालमोनेला टाइफी आ जाएगा हमारी बॉडी में. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन 3 वीक में डेवलप हो जाएगा, पास हो जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइनल बॉल से एंटर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में. मल्टीप्लिकेशन माइक्रोफिजिन लिवर स्प्लीन एंड बोन मैरो में चला जाएगा. उसके बाद वो जो टाइफी है, ठीक है, सालमोनेला टाइफी बोल जाएगा, अदर लिवर स्प्लीन बोन मैरो में चला जाएगा. उसके बाद कॉज हो जाएगा फीवर हेडेक, इसी को कहेंगे टाइफाइड डिसीज़, ठीक है. अब इंजेक्शन ऑफ सालमोनेला टाइफी थ्रू अ डायग्राम देखेंगे. तो सबसे पहले जैसे ही सालमोनेला टाइफी इंजेक्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो लिम्फ नोड में इफेक्ट डालेगा, ट्रांसफर होगा बैक्टीरिया सालमोनेला टाइफी, कहाँ पर जाएगा लिवर स्प्लीन बोन मैरो, और फिर क्या करेगा किडनी को डैमेज करेगा, फीवर कॉज कराएगा. इसी से क्या कहते हैं, इसी कौन सी डिसीज होगी, टाइफाइड डिसीज, ठीक है. अब डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड डिसीज, तो टाइफाइड डिसीज इज डायग्नोज बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ टाइफीबिया ब्लड स्टूल यूरिन ब्लड टेस्ट कलेक्ट करके यूरिन को कलेक्ट करके एंड बोन मैरो को कलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है. स्टूल को ब्लड को कलेक्ट करके हम डायग्नोज कर सकते हैं टाइफाइड को. ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड डिजीज, साइप्रोफ्लॉक्सिन ऑफ्लॉक्सिन क्लोरोफेनिकॉल वॉज द ओरिजिनल ड्रग ऑफ चॉइस टू मैनी ईयर्स ऑफ ट्रीट टाइफाइड फीवर, ठीक है. सेफ्रेक्सोसिन और सेफोटैक्साइम एंड